सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके एजेक्स 200 एमजी सस्पेंशन के क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाला गया है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और पेडियाट्रिक्स डॉक्टर्स को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो एजेक्स 200 एमजी सस्पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं AJX 200 MG सस्पेंशन, जो कि हमारे पास 15 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 51.30 यानी कि 51 रुपये के करीब इसकी MRP है। AJX 200 MG सस्पेंशन को रेनबैक्सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। AJX 200 MG सस्पेंशन के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन 200 MG सिरप। AJX 200 MG सिरप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल टॉन्सिल, साइनस, कान, नाक, गले, तवसा और फेफड़ों यानी कि न्यूमोनिया के बैक्टीरिया इन्फेक्शन में किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो अगर आपके बच्चे को गले में यानी कि थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए AJX 200 MG सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। AJX 200 MG सस्पेंशन को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके बच्चे में कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, गले में कुछ खराश वगैरह हुआ है, गले में कुछ दर्द वगैरह हुआ है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। AJX 200 MG सस्पेंशन का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने पेडियाट्रिक्स डॉक्टर की देखरेख में ले। AJX 200 MG सस्पेंशन किस प्रकार काम करता है, AJX 200 MG सस्पेंशन के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि एजिथ्रोमाइसिन, वो एक एंटीबायोटिक्स दवाई है। यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक अनिवार्य प्रोटीन के संश्लेषण में हस्तक्षेप करके काम करता है। ऐसा करने से इन्फेक्शन के कारण होने वाले बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। AJX 200 MG सस्पेंशन आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आता है AJ 200 MG सिरप्स या फिर AJ 200 MG सिरप्स या फिर इसका मॉलिक्यूल्स रहता है AZ 200 MG सस्पेंशन, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी में आपको आसानी से मिल जाएगा और कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। AJ 200 MG सस्पेंशन को यूज़ करने के पहले अपना जनरल फिजिशियन या प्राइमरी डॉक्टर या पेडियाट्रिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से AJ 200 MG सस्पेंशन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो AJ 200 MG सस्पेंशन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। AJ 200 MG सस्पेंशन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी सिरप या सस्पेंशन का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।